Good morning, student. Today I will teach you the second chapter of class 9th, the Shehnai of Bismillah Khan. Today I will teach the second part of this chapter. In my previous video I had described about the well known musician and internationally famed musician Ustad Bismillah Khan. And I had also said you, this musician got famous in entire world, and he gave a new dimension to the Shehnai, a musical instrument which was known earlier as a pungi, and due to unpleasant sound of this musical instrument, it was banned by Mughal Emperor Aurangzeb. But it was revived by a barber, and he made some improvement in that instrument, and it became famous because of its pleasant tone. आज मैं सेकंड चैप्टर इस चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ, और यह चैप्टर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में है, और मैं उनके बारे में आपको परिचय दे चुका हूँ, उसके आगे पढ़ा रहा हूँ. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला एकम्पनीड हिज अंकल टू अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. 14 साल की अवस्था में बिस्मिल्ला खान अपने अंकल के साथ, चाचा के साथ, अलाहाबाद के म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में गए, म्यूजिक समारोह में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. जब बिस्मिल्ला खान की गाने की समाप्ति हुई, मैंने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना बंद किया, तो उस्ताद फैज खान उनके पास आए और उनकी पीठ को थपथपाया और कहा कि कठिन परिश्रम करते रहो, एक दिन तुम इस फील्ड में महारत हासिल करोगे, तुम एक दिन इस फील्ड में सफल होगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Big Break. All India Radio Lucknow में खुलने के बाद बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा ब्रेक मिला, बड़ा अवसर मिला. He soon became an often heard Shehnai player on radio. वो रेडियो पे शहनाई बजाते हुए सुने जाने वाले ऐसे कलाकार बन गए जो अक्सर रेडियो पे शहनाई बजाते हुए देखे जा सकते थे, सुने जा सकते थे. When India gained independence on August 15, 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली, खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. बिस्मिल्ला खान प्रथम भारतीय थे जिनको राष्ट्र को अपनी शहनाई से अभिवादन करने का अवसर मिला. दूसरे शब्दों में बिस्मिल्ला खान ऐसे भारतीय थे जिनको रेड फोर्ट से शहनाई बजाने का अवसर मिला. ही पोर्ड हिज heart out into rock coffee from Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. उसने राग काफी उस अवसर पे बजाया अपने शहनाई से, और उस राग में उन्होंने अपने हृदय को उड़ेल दिया. अपने हृदय को उड़ेल दिया मतलब उस राग को बजाने में उन्होंने पूरा
पूरी अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति को लगा दी और उस राग को सुनने वाले में ऑडियंस में बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी उस अवसर पे, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल है, हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने उस अवसर पे एक भाग्य से मिलने वाली गुप्त सभा नामक भाषण भी दिया। उन्होंने उसके बाद एक भाषण भी दिया, स्पीच भी डिलीवर की। बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने कई यादगार प्रदर्शन परफॉर्मेंस भारत में और विश्व के दूसरे भागों में दी। इस फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाहवाज शो टेकिंग इन बाई द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम पायरलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सॉवरनियर्स। उनका पहला विदेशी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान में था, जहाँ पे जब किंग जहीर शाह उनको शहनाई बजाते हुए देखे, शहनाई का परफॉर्मेंस करते हुए देखे तो आश्चर्यचकित हुए और वो बिस्मिल्ला खान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पर्शिया की अमूल्य कारपेट उन्हें भेंट की और ढेर सारे महंगे उपहार उन्हें दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्ला म्यूजिक। ऐसा नहीं है कि केवल अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्ला खान के म्यूजिक से प्रभावित हुए और सम्मोहित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्लेड द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उनके परफॉर्म से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज अ हिट। फिल्म हिट हुई एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और उनका एक कंपोजिशन जिसका शीर्षक है दिल का खिलौना हाय टूट गया, देश में लगभग हर भारतीय के जुबान पे छा गया। मतलब हर भारतीय दिल का खिलौना हाय टूट गया को पसंद किए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉयड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू सेलुलॉयड वर्ल्ड में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्ला खान केवल दो फिल्मों तक सीमित रहे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर स्नाधी आपाना, इन दो डायरेक्टरों की फिल्म में उन्होंने केवल काम किया और वो बताते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ही सेज एम्पैथेटिकली, और उन्होंने कहा कि मैं इस बनावटी और जादुई दिखने वाली फिल्मी संसार में दोबारा नहीं जा सकता। मतलब फिल्मों के आकर्षण, फिल्मों के चकाचौंध उन्हें आकर्षित नहीं कर सका। उनको सिंप्लिसिटी और जो एक फ्रीडम है
एक कलाकार की म्यूजिकल परफॉर्मेंस को वो उसको बनाए रखना चाहते थे।